या सो हाय ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लास्ट वीडियो। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट एरे के बारे में देखने वाले हैं। एरे क्या होता है, क्या एंड एरे के डिफरेंट्स फंक्शंस कौन कौन से, सॉर्टिंग, गेट द फर्स्ट वैल्यू, ऐड द न्यू वैल्यू इन द एरे। अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में फोर टॉपिक्स देख चुके हैं। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट बेसिक लाइक डेटा टाइप वेरिएबल्स एंड ऑल। अब हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट एरे क्या होता है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक पता होगा, जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10, तो सपोज मेरे को मल्टीपल्स वैल्यू ऐड करानी है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगेन एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि क्या करेगा कि उसमें 20 ऐड होगा, लाइक फिर अगेन 30। बट फिर मेरे को थ्री थ्री वेरिएबल्स मेंटेन करने पड़ रहे हैं इसमें, जैसे फोर्थ वैल्यू, और जैसे हमको 50 वैल्यू चाहिए, 60 वैल्यू चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, जो कि राइट नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है नो। तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, और ये एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या जावास्क्रिप्ट में है, आप सी में देख लो, आप सी प्लस और जावा में देख लो, एवरीवेयर यू विल फाइंड कि जावास्क्रिप्ट एरे का एक कंसेप्ट है। तो अब क्या होता है एरे में, हम क्या कर सकते हैं कि पैरेंथेसिस रहेंगे, एरे पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू ऐड करा सकते हैं, जैसे 10 30। तो आपने देखा पहले हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले रहे थे, वेरिएबल्स बना रहे थे एंड उसके अंदर वैल्यू। बट अभी क्या है, एक वेरिएबल रहेगा, उसके अंदर मल्टीपल्स वैल्यू को आप ऐड करा सकते हो। तो इससे बेनिफिट्स क्या होंगे कि एक ही एरे रहेगा, जैसे अब मेरे को एक्सेस करना है, जैसे सपोज मेरे को थ्री वैल्यू एक्सेस करनी है, तो मैं कह रहा हूँ क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, मैं जस्ट कंसोल में आपको प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। देखो कि थ्री वैल्यूज मेरी ऐड होगी। अदरवाइज इससे पहले क्या होता है, जैसे मेरे को तीनों वैल्यू एक्सेस करनी थी, तो मेरे को क्या करना पड़ता, डॉट लॉग, पहले ए फिर बी फिर सी, मेरे को अलग अलग वैल्यू को प्रिंट कराना पड़ेगा, राइट। या तो चलो मैंने एक में कर दिया, पहले 10 आई फिर 20 आई, राइट। अभी एरे के थ्रू क्या होगा, एक ही वेरिएबल, जैसे मेरे को ओनली फर्स्ट वैल्यू चाहिए, जैसे 10 चाहिए, मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाँ, एरे के अंदर एक और कहता है इंडेक्स पार्ट होता है। इंडेक्स क्या होता है कि जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वाली 0 इंडेक्स पे होगी, सेकंड 1 पे इंडेक्स पे होगी, और थर्ड सेकंड इंडेक्स पे। सो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता, सो हमारा ये सॉफ्टवेयर है KL KI, ये जस्ट पेंटिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो अभी क्या करना है, हमको एक एरे बनाना है। एरे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, 10 तो पेंटिंग है जिसमें आपको समझाना चाहता हूँ। तो एरे कंसेप्ट में क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे होगी, ये 1 पे होगी, ये 2 पे होगी, आप वैल्यू कुछ भी ऐड कर सकते हो जस्ट एरे को। जैसे जावास्क्रिप्ट में बताया, ये भी 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है एंड 3 पे ये है, 4 पे, या जो भी एरे की इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट होती है ऑलवेज। तो अब मेरे को जैसे 10th वैल्यू निकालनी है, तो एरे जो नेम हो गया इसके इंडेक्स क्या है, 10 किसके इंडेक्स पे है, 0 पे, मैं 0 ऐड कर दूँ तो मेरे पास 10 आ जाएगा। सेम विथ, जैसे मेरे को 30 वैल्यू चाहिए, तो इंडेक्स क्या है, 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स पे है तो 30 आ गया, गॉट इट। तो ये इंडेक्स से खेलते हैं हम, मीन्स ये हमारा इंडेक्सिंग पार्ट होता है। ये तो एक एरे हो गया, इसके अंदर जैसे ये 0 पे इंडेक्स होगा, 1 2, ऑलवेज इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, सिंपल। तो अब मेरे को जैसे, अब आपने बाय डिफॉल्ट ये 30 वैल्यू, राइट, मेरे को 40 वैल्यू, एक और न्यू वैल्यू ऐड करानी है, तो उसके दो तीन वे है ऐड कराने के। एक तो
है कि पहले ये देखो आपको कौन से इंडेक्स पे करवानी है, जैसे 0 1 2 पे है तो अब मेरे को 3 पे करवानी है, तो 3 पे क्या होगा 40 करवा दूंगा। तो आप एरे डॉट लॉग करा के देख सकते हो 40 पे, ठीक है 10 20 30 40 चार वैल्यू आ गई है, क्योंकि 3 ये थी, एक मैंने एक ये डलवा दी। सेकंड सेकंड क्या, सेकंड वे क्या है, एरे के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे डॉट करके आपको जैसे पुश पॉप के, ये डिफरेंट फंक्शन है जो एरे हमको प्रोवाइड करता है। तो जैसे पुश पे, पुश में भी पुश का मीनिंग होता है एक वैल्यू ऐड कराना, जैसे मैं 50 करवा दूंगा, तो अब एरे क्या हो जाएगा 10 20 30 40 50। तो एक और वैल्यू होगी, जैसे इसमें एक और वैल्यू ऐड होगी, 40 हमने थर्ड पे करवाया था। ये क्या करेगा ना, ये पुश मेथड क्या करता है, इसके एंड में डलवा देता है ये, गॉट इट सिंपल। तो ये मोस्टली ना आपको ये एरे का कंसेप्ट और इंडेक्स पार्ट समझना बहुत जरूरी है, अगर आपको ये समझ आ गया ना तो फिर आपके लिए इजी है। अब हम W3 स्कूल से थोड़ा सा एरे देखते हैं, जैसे ये हो गया एक एरे, ठीक है, ये 3 वैल्यूज इन्होंने ऐड करवा रखी है, पहले हम ऐसे करते थे राइट। एंड अभी एरे का सिंटेक्स क्या है, एरे का नेम जो भी आपको वेरिएबल का नेम देना है, और आइटम जो भी उसका, और इंडेक्सिंग जो मैंने आपको बताया 0 1 2। जैसे 0 वैल्यू को एक्सेस करना है एरे ओ 0 का, एक एरे क्या होता है, एरे भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे क्या कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, टाइप ऑफ से आप बता सकते हो कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, किस टाइप, एक एरे भी एक ऑब्जेक्ट होता है। को ये समझ गया, अब अपने को देखना है कि ये एरे है ना, जो ये एरे इसके अंदर इसकी लेंथ कितनी है, मीन्स इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं। सो जावास्क्रिप्ट अपने को क्या प्रोवाइड करता है, एक एरे डॉट एक लेंथ करके प्रॉपर्टी, तो ये बता देता है कि इसके अंदर कितनी वैल्यू है, जैसे ये 3 ये थे, 4 हमने ये डलवाया, 5th ये डलवाई, टोटल वैल्यू कितनी होगी 5। तो एरे डॉट लेंथ कितनी होगी 5, हमारे पास 5 वैल्यू है ना, अगर मेरे का पास जैसे सपोज 4 होती तो फिर 4, लाइक यहाँ पर 4 आता तो 4, 3 होती तो 3, ये जितने भी उसके अंदर कंटेंट होंगे, वो जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स लाइक वैल्यूज होंगी, वो अपने को रिटर्न कर देगा कि इसकी इतनी लेंथ है राइट। अब मैं आपको रैंडमली बोल देता हूँ कि मेरे को लास्ट वैल्यू चाहिए, लास्ट वैल्यू क्या इसकी 50 राइट। तो मेरे को 50, जैसे हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, अब मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को लास्ट वैल्यू चाहिए, इस एरे की लास्ट वैल्यू चाहिए राइट। तो अब मेरे को जैसे ये आंसर, चल मेरे को पता है अभी इसके 1 2 3 4 6 वैल्यूज है राइट इसमें, तो सेकेंड वे क्या होगा, तो हमारे पास, हमको पता है कि कितने वैल्यूज है इसके अंदर राइट, अंदर जैसे 6 वैल्यूज हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एरे डॉट लेंथ से इसके अंदर कितनी वैल्यूज है, लेंथ को भी बताएं राइट। अब इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, हमेशा 0 से चलता है, पर लेंथ 1 से चलती है, हम क्या कर सकते हैं, एरे ऑफ लेंथ 1। तो अब क्या होगा, जो एरे के लेंथ में क्या है हमारा 6 आया, बट -1 कर देंगे क्योंकि इंडेक्स 0 से चलता है इसलिए,
तो अब आप देखोगे इसमें लास्ट वैल्यू लास्ट में 60 आ चुका यहाँ पर। लास्ट वीक में क्या गया 60। तो एक ये वे है गेट करने। अब हम देखते हैं एरे के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। लूप्स रहते हैं वो मैं आपको थोड़ा आगे बताने वाला हूँ। लूप्स क्या होता है? देखो एक पुश मेथड होता है, एरे का एक पुश मेथड होता है। देखिए मैं ये एरे के डिफरेंट मेथड्स हैं कन्वर्टिंग एरे टू स्ट्रिंग। जैसे एरे को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर टू स्ट्रिंग मेथड से आप करो। पुशिंग एंड पॉपिंग ये यूज होता है। जैसे पुश पॉप क्या करता है कि जैसे एरे है ना, ये एरे जैसे आपको लास्ट वैल्यू चाहिए, एक तो मैंने आपको बताया था कि ये वे है, सेकंड वे क्या है हमारे पास निकाल क्या एरे मेथड प्रोवाइड करता है पॉप। विद एरे भी क्या आ गई पॉप मेथड क्या करता है लास्ट वैल्यू को अपने को असाइन गेट करके देता है। ओके पुश क्या करता है लास्ट में वैल्यू को ऐड कराता है। शिफ्ट्स क्या करता है शिफ्टिंग, शिफ्टिंग इज इक्वल टू पॉपिंग वर्किंग ऑन फर्स्ट एलिमेंट इंस्टेंट ऑफ द लास्ट। शिफ्ट क्या करता है तो शिफ्ट क्या करेगा कि जैसे ये 1 2 3 4 वैल्यूज हैं राइट इसमें, तो शिफ्ट क्या करेगा कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना ये बनाना इसको रिमूव कर देगा और ओनली इसमें थ्री वैल्यूज रख देगा। शिफ्ट ये काम करता है तो मीन्स ये क्या करता है फर्स्ट वैल्यू को गेट करता है और उसके अंदर ओनली थ्री वैल्यूज रह जाएंगी क्योंकि फोर वैल्यू थी, इसे एक वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू को इंसर्ट रिमूव कर देता है। और अनशिफ्ट क्या करता है अनशिफ्ट क्या करता है इसके अंदर वैल्यू को ऐड करा देगा बिगनिंग में। जैसे पुश और पॉप क्या करते हैं लास्ट में कर रहे थे, शिफ्ट और अनशिफ्ट क्या करते हैं स्टार्टिंग में ऐड करा देते हैं। सिंपल तो जैसे आपको डिलीट करनी है कोई इंडेक्सिंग वैल्यू को आपको ये एरे है मेरे को जैसे कौन सी वैल्यू को आप डिलीट करना डिलीट जीरो को रिमूव करना ये रिमूव कर देगा। अनडिफाइंड मीन्स वैल्यू को रिमूव कर दिया फर्स्ट वन को रिमूव कर दिया वैल्यू को 10 को रिमूव कर प्लेस पे अंस के प्लेस पे जीरो के प्लेस पे अनडिफाइंड सेट कर। तो ये मेथड है जैसे स्प्लाइस मेथड हो गया। जैसे टू एरे को आपको कंबाइन करना है, जैसे एक एरे वन हो गया टू हो गया कंबाइन करना है तो एक कंकैट मेथड होता है के थ्रू आप कंबाइन कर सकते। ये बहुत सारे मेथड्स हैं अपने को सीखने चाहिए। सॉर्टिंग पार्ट हो गया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉर्टिंग बहुत बहुत यूज होता है। अरे वो सॉर्टिंग बैकएंड से कह रहे आ रहा है उसको सॉर्ट करना है और यूआई पे शो करना सॉर्टिंग का। तो मैं क्या करता हूँ आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, इसमें क्या करना है आपको एरे के प्रैक्टिस ऑल द एरे प्रैक्टिस यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम W3 स्कूल और हमारे पास एक ये रहता है
मोजिला डेवलपर्स, यहाँ पर पूरी डिटेल्स होती है, आप या फिर रेफरेंस, ये दोनों में से किसी का भी आप रेफर। तो अब आई थिंक मैंने आपको बेसिक समझा दिया है, एरे के बारे में बता दिया है क्या होता है क्या नहीं होता है, और हमने देखा है कि एरे में पुश पॉप कैसे कर सकते हैं, कैसे टाइप ऑफ हम चेक कर सकते हैं एरे की, ओके एंड और क्या है कि एरे की लेंथ कैसे हम गेट कर सकते हैं, एरे के मेथड्स हमने देखे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप एक असाइनमेंट करो, प्रैक्टिस करो, कि जिसमें हो कि आप एरे के ऑल मेथड्स को प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में। एंड गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आप मेरी जावास्क्रिप्ट की अदर वीडियो भी देख सकते हैं यार, मैं फुल कोर्स बनाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट पे, एंड तो एंड जब ये आप असाइनमेंट कर लो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना, लाइक आप भी सैंडबॉक्स का यूज कर सकते हो, मेरे को जस्ट सैंडबॉक्स का यूज कर लेना, तो मैं देख सकता हूँ कि आप सही कर रहे हो क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग।